होता है आपके पास प्राइमरी डेटा एंड का सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा जो आप खुद कलेक्ट करते हो, ठीक है। आपको मान लो हमने कोई काम दे दिया कि आपने अपनी कॉलोनी के कोई 20 houses में जाना है, वहां पे उन 20 persons के ब्लड ग्रुप्स जो हैं, उनमें जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, 20 families में जितने फैमिली मेंबर्स हैं, उन सबके आपने ब्लड ग्रुप्स जो हैं वो नोट डाउन करने हैं, और उसके बेसिस पे आपने जो है इंफॉर्मेशन जो है मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन क्या बनानी है कि इन 20 houses में कौन सा जो ब्लड ग्रुप है वो मैक्सिमम है आपका, ठीक है। उसके बाद हर बच्चा ये डाटा जो है लेके आएगा, तो जो डाटा मीन्स इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू गो टू दैट 20 families, वहां आपको जाके उनके फैमिली मेंबर से जो है पर्सनली मिलना पड़ेगा, तब आप वो डाटा कलेक्ट करोगे। तो जो आपने खुद डाटा कलेक्ट किया दैट इज द प्राइमरी डाटा। सेकेंड थिंग होती है कि सेकेंडरी डाटा, उसमें क्या होता है कि जो आपको किसी मान लो कि इंस्टीट्यूशन से, किसी ऑर्गेनाइजेशन से डाटा ऑलरेडी कलेक्टेड मिलता है, आप उस डाटा के ऊपर फर्दर कोई सर्वे करते हो, तो दैट इज द सेकेंडरी डाटा, कि सेकेंड टाइम आपके हैंड में वो आया है, पहले किसी और ने उसको कलेक्ट किया था, नाउ यू आर कलेक्टिंग दैट फॉर डूइंग सम फर्दर सर्वे। अब आपका यहाँ पे जैसे एक्टिविटी 1 गिवन है, डिवाइड द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास इनटू 4 ग्रुप्स, अलॉट ईच ग्रुप द वर्क ऑफ कलेक्टिंग वन ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ डेटा। हाइट ऑफ 20 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, मतलब आपकी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको हमने 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट ग्रुप को हमने काम दे दिया कि उन्होंने कोई 20 स्टूडेंट्स की रैंडमली कोई भी 20 स्टूडेंट्स जो हैं उनकी जो है हाइट को कलेक्ट करना है, हाइट की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। सो ये हो गया आपका। सेकेंड हमने ग्रुप को दिया कि पूरे मंथ के लिए क्लास में कितने एब्सेंटीज हैं, वो नंबर ऑफ एब्सेंटीज काउंट करना है। थर्ड हमने दे दिया कि नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स इन द हाउसेज ऑफ योर क्लासमेट्स। फोर्थ हमने दिया कि स्कूल के आसपास जितने भी प्लांट्स हैं या स्कूल के अंदर जितने प्लांट्स हैं उनमें से किन्हीं 15 प्लांट्स की हाइट मेजर करनी है। तो किसी भी तरह का कोई भी डाटा कलेक्ट करने का काम जो है वो दे सकते हैं। उसके बाद है कि क्या जो इंफॉर्मेशन है वो जो भी हमने ऊपर मतलब अभी बात की कि ये सिचुएशन हम दे सकते हैं, तो इसके बेसिस पे जो आप डाटा कलेक्ट करोगे, हर बच्चा ईच एंड एवरी स्टूडेंट जो भी डाटा कलेक्ट करेगा किसी हाउस या पर्सन से ऑब्टेन करेगा, कहीं ना कहीं से वो ऑब्टेन करेगा, उसके बाद कि जो उनको इन्फॉर्मेशन मिली है, मान लो कि जैसे मैंने आपको कहा कि आपने ब्लड ग्रुप्स लेने हैं अपने कॉलोनी के पर्सन के, तो क्या वो इन्फॉर्मेशन हमारे स्कूल रिकॉर्ड में होगी, आपके कॉलोनी के पर्सन के ब्लड ग्रुप्स जो हैं वो हमारे स्कूल रिकॉर्ड्स में होंगे, नहीं होंगे, ठीक है। तो मे बी वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, मे बी वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। जैसे अगर हाइट वाला हमने काम दिया, तो हाइट ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो स्कूल रिकॉर्ड्स में अवेलेबल होगी कि नहीं होगी, आपकी डायरी पे फ्रंट पेज पे आप मेंशन करते हो, आपकी क्लास इंचार्जेस उसको कलेक्ट करते हैं, यानी कि दैट इंफॉर्मेशन इज ऑलरेडी अवेलेबल इन द स्कूल रिकॉर्ड्स, ठीक है। लेकिन जो ब्लड ग्रुप वाला आपको एक्टिविटी दी गई है, वो ब्लड ग्रुप्स आपके कॉलोनी के किसी मेंबर का ब्लड ग्रुप क्या है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, स्कूल को उससे कोई लेना देना नहीं है, तो वो स्कूल के रिकॉर्ड्स में नहीं है। तो कोई इन्फॉर्मेशन जो है ऑलरेडी आपके स्कूल के रिकॉर्ड में हो सकती है, कोई इन्फॉर्मेशन स्कूल के रिकॉर्ड में नहीं भी हो सकती है। अब उसके बाद वो कह रहे हैं कि स्कूल के केस में जब इन्फॉर्मेशन हम किसी ऐसे सोर्स से लेते हैं जिसके पास ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है, जैसे आपके पास ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है कि आपके जो है फैमिली मेंबर्स कितने हैं, आपकी हाइट कितनी है, आपका वेट कितना है, ये इन्फॉर्मेशन, दिस इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी यू आर हैविंग, वी आर कलेक्टिंग इट फ्रॉम यू, आपके क्लास इंचार्ज ने ली, क्लास इंचार्जेस ने आगे ऑफिस में उसको दिया, तो वो डेटा जो है वो डेटा क्या कहलाएगा, सेकेंडरी डेटा। यानी कि किसी और के पास इंफॉर्मेशन थी, हमने उससे कलेक्ट की, मैं सेकेंड पर्सन हूँ जो कलेक्ट कर रहा हूँ, तो दैट इज अ सेकेंडरी डेटा। जो इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट की, आप ही उसको यूज कर रहे हो, तो दैट डेटा इज द प्राइमरी डेटा, ठीक है। कौन सा, अगर आपके केस को लेके चलें देन इट विल बी प्राइमरी, लेकिन अगर आगे आपसे कोई वो डाटा ले रहा है दैट विल बी सेकेंडरी, ठीक है। ये मार्क कर लो आप बुक में, एक्सरसाइज 14.1 जहां पे लिखा हुआ है, व्हेन द इंफॉर्मेशन वाज कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हरसेल्फ और हिमसेल्फ विद अ डेफिनेट ऑब्जेक्टिव इन हिज और हर माइंड, डेटा ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड द प्राइमरी डेटा। जब आप उसको खुद कलेक्ट कर रहे हो दैट डेटा इज कॉल्ड द प्राइमरी डेटा। मार्क दिस बच्चे, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, क्लियर। व्हेन यू आर कलेक्टिंग इट, व्हेन यू आर गैदरिंग इट योर सेल्फ, देन इट इज अ प्राइमरी डेटा, बट इफ यू आर कलेक्टिंग इट फ्रॉम सम सोर्स
देन इट इज द सेकेंडरी डेटा. नेक्स्ट पैरा में वेन द इन्फॉर्मेशन इज गैदर्ड, वॉज की जगह इज कर लेना, इज गैदर्ड फ्रॉम अ सोर्स विच ऑलरेडी हैड की जगह हैज, द इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड डेटा इज ऑब्टेन्ड, डेटा ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड द सेकेंडरी डेटा. अच्छा, आप जो सेकेंडरी डाटा है, सेकेंडरी डाटा को जब आप यूज करोगे तो उसमें आपको ये जरूर ध्यान देना है कि फ्रॉम वट एवर सोर्स यू हैव कलेक्टेड द सेकेंडरी डाटा, दैट शुड बी रिलायबल. ये नहीं कि वो आपको फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहा है कोई, तो वो आपका डाटा रिलायबल नहीं होगा. यानी कि जब डाटा आपका फॉल्स है तो उसके बेसिस पे जो भी आप कैलकुलेशन करोगे, जो भी आप इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करोगे, तो दैट विल बी रॉन्ग. तो जो आपका मतलब सेकेंडरी डाटा है उसके लिए जिस सोर्स से आपने डाटा लिया है, दैट शुड बी रिलायबल. चलिए अब एक्सरसाइज 14.1, ये दिस यू नीड नॉट डू इन योर नोटबुक. इसमें मुझे फर्स्ट बताइए, गिव 5 एग्जांपल्स ऑफ डेटा दैट यू कैन कलेक्ट फ्रॉम योर डे टू डे लाइफ. कौन कौन सा डेटा आप अपनी डे टू डे लाइफ से कलेक्ट कर सकते हो? ओके, स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द क्लास और एब्सेंटीज इन द क्लास, वन हो गया. देन सेकेंड, कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन लोगे ना आप, डेट ऑफ बर्थ ले सकते हो ऑफ स्टूडेंट्स, हाँ जी, मार्क्स ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट ले सकते हो, यस, टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट डेज ले सकते हो, और एज ऑफ स्टूडेंट्स ले सकते हो, और हाइट ले सकते हो, वेट ले सकते हो, और समझ नहीं आई मुझे, ऊंची बोलो, मास्क लगा होता है ना तो ऑडिबल नहीं होते आप, क्या कह रही है ये सब, ब्लड ग्रुप्स हो गए, और थोड़ा और एक्सपैंड करो अपनी थिंकिंग को, नंबर ऑफ प्लांट्स इन द स्कूल कैंपस, मतलब उसमें क्या होगा कि एक टाइप के प्लांट्स कितने हैं दैट यू हैव टू कलेक्ट. हाँ जी, नंबर ऑफ क्लासेस ले सकते हो या नंबर ऑफ सेक्शंस ले सकते हो आप, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन डिफरेंट सेक्शंस ले सकते हो. सो दिस काइंड ऑफ डाटा यू कैन कलेक्ट. सेकेंड, क्लासीफाई द डाटा इन क्वेश्चन 1 अबव एज प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा. जो आपने खुद कलेक्ट किया होगा दैट विल बी प्राइमरी, जो किसी सोर्स से लिया होगा दैट विल बी सेकेंडरी. तो आपने अभी तक जितने एग्जाम्पल्स दिए हैं मोस्टली उनमें से सारे जो है वो प्राइमरी थे, सेकेंडरी के एग्जाम्पल्स ऑल्सो यू हैव टू सर्च फॉर. नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज द प्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा. अब देखो, आपको जो यहाँ पे गिवन है कि जब आप डेटा को कलेक्ट करते हो तो उसमें जो है आपको एक मीनिंगफुल वे फाइंड आउट करना होता है कि किस वे में आप अपने डेटा को प्रेजेंट कर सकते हो. जैसे अब यहाँ पे देखो कि आपका जो एग्जांपल 1 है उसमें क्या कहा गया है, कंसीडर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट्स इन अ मैथ्स टेस्ट एज गिवन बिलो. अब यहाँ पे क्या किया, उन्होंने रैंडमली जो है कोई भी 10 जो है नंबर्स दे दिए. मान लो हमने 15 मार्क्स का अगर टेस्ट लिया था तो डाटा इस तरीके से दे दिया है, दिस इज द डाटा ऑफ द 10 स्टूडेंट्स. ठीक है, अब ये डाटा रॉ है या मीनिंगफुल है? रॉ. व्हाई? क्योंकि पता नहीं लग रहा कि कौन से स्टूडेंट के क्या मार्क्स हैं. बस आपको ये डाटा देख के इतना पता लग रहा है कि इतने इतने स्टूडेंट्स हैं. जैसे 12 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए? 3 स्टूडेंट्स के आए, 3 स्टूडेंट्स के आए. उसके बाद 13 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए? 2 के. 10 कितने के आए? 2 के. 11 1 के. 15 1 के. तो यहाँ से कौन सा स्टूडेंट कितने मार्क्स ऑब्टेन कर रहा है, मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन नहीं है. जस्ट मुझे क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, मैंने इसको रैंडमली लिख दिया, मैंने कोई 10 बच्चे सिलेक्ट किए क्लास के, उनके मार्क्स पूछे और ये लिख दिए. तो दिस काइंड ऑफ डाटा जो ऐसे कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा आपको, दैट इज कॉल्ड द रॉ डाटा. देन नेक्स्ट भी आपको जो एग्जांपल गिवन है, तो यहाँ पे अब क्या किया गया, देखो इसको अरेंज किया गया है इन द असेंडिंग ऑर्डर. तो यहाँ पे 25, 36, 42 जो भी उन्होंने नंबर दिए थे, अब आपको ये देख के पता लग रहा है कि 25 इज द लोएस्ट स्कोर और हाइएस्ट स्कोर कितना आ रहा है, 95. तो जब एक डेटा में आप एक स्कोर लेते हो हाईएस्ट, अब इसमें लोएस्ट कितना है, 10. तो जब आप हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू का डिफरेंस लेते हो तो दैट गिव्स यू द रेंज. तो रेंज क्या है, दैट इज द हाईएस्ट वैल्यू
माइनस लोएस्ट वैल्यू, ये सारा किया हुआ है पहले। तो इस पे बेस्ड आपका वन मार्क क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, कि व्हाट इज द रेंज। डाटा आपको गिवन होगा, यू आर टू चूज द हाईएस्ट वैल्यू, यू आर टू चूज द लोएस्ट वैल्यू एंड देन यू आर टू फाइंड द डिफरेंस, दैट विल गिव यू द रेंज। तो ये रेंज की आपकी डेफिनेशन जो है हो जाएगी, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में अगेन ये आ जाएगा, द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यू ऑफ अ गिवन डाटा इज द रेंज। उसके बाद नेक्स्ट जो है, अगर हम डाटा को अरेंज करते हैं इन असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो दिस इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। क्यों? क्योंकि अभी तो फिलहाल ये मेरे पास ऐसे 10 नंबर थे, मान लो मुझे 100 स्टूडेंट्स का मार्क्स जो है वो गिवन है, तो उसके लिए क्या होगा कि उसको अगर मैं अरेंज करने लगूंगी तो दैट इज वेरी मच टाइम कंज्यूमिंग। तो हमें क्या करना है, टाइम को भी सेव करना है, तो उसके लिए आपने जो है वो किया हुआ है, फ्रिक्वेंसीज आप ले लेते हो जितने भी आपके होते हैं। जैसे अब यहाँ पे 10 जो है मार्क्स, पेज नंबर 241 पे गिवन टेबल देखो, एग्जाम्पल 2 का डाटा जो है उन्होंने वहां से फ्रिक्वेंसी टेबल बना लिया। 10 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं, 1 स्टूडेंट के। 20 मार्क्स 1 के। 36 मार्क्स 3 स्टूडेंट्स के। 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 40 हैं, और ये डाटा टोटल कितने स्टूडेंट्स का है आपका, 30 का। तो ये टेबल देख के आपको क्लियर कट जो है वो पता लग रहा है कि यहाँ पे जो आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, कितने स्टूडेंट्स ने कितने मार्क्स स्कोर किए और टोटल कितने स्टूडेंट्स का ये आपका डाटा है। तो इस तरह का जो आपका डाटा है, दैट इज द अनग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अनग्रुप्ड मींस एक पर्टिकुलर ग्रुप नहीं बन रहा, सिंगल सिंगल मार्क के आपके बताए गए हैं मार्क्स के, कि कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। जैसे 10 मार्क्स इतने बच्चों के हैं, 20 इतनों के हैं, तो यहाँ पे कोई ग्रुपिंग नहीं हो रही है कि इतने से इतने मार्क्स इतने बच्चों के हैं। तो दिस इज द अनग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, कि फ्रिक्वेंसी को हमने ग्रुप्स में नहीं किया, दिस इज सिंपली अ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। नेक्स्ट एग्जाम्पल 3। अब एग्जाम्पल 3 में हमने क्या किया है, यहाँ पे जो डाटा है इसको और मीनिंगफुल बनाया। कैसे, कि हमें अब यहाँ पे इसमें थर्ड एग्जाम्पल में क्या गिवन है, दिस इज द डाटा ऑफ द 100 प्लांट्स जो कि 100 स्कूल्स में वन महोत्सव में जो है प्लांट किए गए थे, और 1 मंथ के बाद जो नंबर ऑफ प्लांट्स जिन्होंने सर्वाइव किया ये उनका रिकॉर्ड है। 100 स्कूल्स हैं, उनमें 100 प्लांट्स लगाए गए थे। अब फर्स्ट जो है वो 95 नंबर है आपका। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट स्कूल में 100 में से 95 प्लांट्स ने सर्वाइव किया, 5 प्लांट्स जो है वो सूख गए, यानी कि उन्होंने सर्वाइव नहीं किया। सेकंड नंबर है आपका 67, यानी कि 62nd स्कूल में 67 प्लांट्स ने सर्वाइव किया, एंड सो ऑन। उसके बाद अब क्या किया गया, यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट सबसे लोएस्ट वैल्यू देखी गई और सबसे हाईएस्ट वैल्यू देखी गई, एंड देन ये देखा गया कि चलो अगर 100 स्कूल्स हैं तो 100 स्कूल्स को हम 10-10 के इंटरवल पे, मतलब नंबर ऑफ प्लांट्स को हम 10-10 के इंटरवल पे लेके 10 ग्रुप्स जो है इनके बना सकते हैं। ग्रुपिंग जो है वो टोटली आप पे है। अगर क्वेश्चंस में नहीं गिवन है कि कितने कितने का ग्रुप आपने, मतलब कितने का क्लास इंटरवल लेना है, अगर वो गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो दैट इज अप टू यू। आप 10 का बनाओ, 15 का बनाओ, दैट इज योर चॉइस, वो गलत नहीं होगा। अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया, 20 से लेके 29 तक लिया कि नंबर ऑफ प्लांट्स 20 से 29 जो है वो कितने स्कूल्स में जो है एग्जिस्ट कर रहे हैं। 3 स्कूल्स ऐसे हैं जिसमें 20 से 29 प्लांट्स रहे। देन 14 स्कूल्स ऐसे हैं जिसमें 30 से 39 प्लांट्स ने सर्वाइव किया। 12 स्कूल्स ऐसे हैं जिसमें 40 से 49 प्लांट्स ने सर्वाइव किया। पेज नंबर 242 है बेटे ये। तो टोटल जो है वो 100 स्कूल्स का आपको डाटा दे दिया कि 100 स्कूल्स में इसमें से इतने स्कूल्स में इतने के बीच में जो प्लांट्स हैं, एग्जैक्ट नंबर नहीं है बट मतलब 10-10 के डिफरेंस से वो वेरी कर रहा है। अब यहाँ पे जो ये आपका डाटा है, दिस इज द ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कि हमने क्या किया 20 से 29 का एक ग्रुप बना लिया कि जिसमें नंबर ऑफ प्लांट्स 20 से 29 के बीच में है। 20 and 29 बोथ आर इंक्लूडेड इन दिस। तो उसके बाद हमने लिया 30 से लेके 39, देन 40 से लेके 49। तो ये जो है ये डिफरेंट ग्रुप्स बना दिए गए, तो दिस इज कॉल्ड द ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अगर ये इस तरह की ग्रुपिंग नहीं है, जैसे प्रीवियस उसमें था 10, 20, देन 36, ये मार्क्स का उनका था, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, यहाँ ग्रुप नहीं बन रहा, सिंगल वैल्यू है आपकी, तो दिस इज द अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पे ये आपका इंटरवल की फॉर्म में गिवन है, दिस इज द ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन।
एक चीज का आपने ध्यान रखना है, आपके जो आप यहाँ पे आप क्वेश्चंस करोगे उसमें क्या होना चाहिए कि जो ये आपका डाटा यहाँ पे गिवन होगा, जो इंटरवल आपका गिवन होगा, दैट शुड बी कॉन्टिन्यूअस। अगर वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो आप उसको कॉन्टिन्यूअस बनाओगे, वो अभी आगे बताऊंगी मैं कैसे कॉन्टिन्यूअस बनाना है। आपका ये वाला जो लास्ट वाली वैल्यू होगी और इसकी जो फर्स्ट वैल्यू होगी, दैट शुड बी सेम, ठीक है। अदरवाइज क्या है, यहाँ पे देखो 29 से 30, अभी तो ये नंबर ऑफ प्लांट्स है तो वो डेसिमल्स में नहीं हो सकता, बट मान लो कि अगर वो आपके पास मार्क्स होते हैं यहाँ पे, तो जिस बच्चे के 29.5 आए वो हम कहाँ रखेंगे, हम यहाँ भी नहीं रख सकते उसको, हम यहाँ भी नहीं रख सकते, तो ऐसे वाले जो नंबर्स हैं वो स्किप हो जाते हैं। तो जब भी स्टैट्स में हम डील करते हैं तो इट मीन्स जो हमारा इंटरवल्स होते हैं उसके जो यहाँ पे वैल्यूज होती हैं, दैट शुड बी, मतलब वो इंटरवल जो है दैट शुड बी कॉन्टिन्यूअस, उसमें किसी भी तरह का कोई गैप नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो यहाँ पे गैप होता है उसको हम टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ पे कितने का गैप है, वन का गैप है, वन का हाफ करोगे, मतलब वन को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो हाफ आ गया, यानी कि हाफ में यहाँ पे ऐड कर दूंगी और इसमें से क्या करूंगी मैं, माइनस कर दूंगी। तो जो आपको इंटरवल गिवन होता है उसमें जो नंबर हमारा पहले आ रहा होता है दैट इज द लोअर लिमिट, और जो बाद में आ रहा होता है दैट इज द अपर लिमिट। जैसे ये 20 to 29 है, अगर दिस इज द अपर लिमिट एंड दिस इज द लोअर लिमिट, लोअर मतलब सबसे कम वाली और अपर मींस जो मैक्सिमम आप जितना ले सकते हो। तो जब आपको डाटा को कॉन्टिन्यूस बनाना है, आप पहले डिफरेंस देख लो कि कोई दो कंसेक्यूटिव इंटरवल्स में डिफरेंस देख लो, आप चेक करोगे कि हर एक में, अगर मैं आगे 39 से 40 में भी डिफरेंस लेती तो वन का ही आना था, ये डिफरेंस आपका हमेशा सेम आएगा। तो उसको आपने टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने, एक जगह पे आप उसको अपर लिमिट में ऐड करोगे और लोअर लिमिट में से आप उसको क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट, ठीक है। अब ये एक बार दोबारा देख लो कि हमारे ये इंटरवल्स किस तरीके से कॉन्टिन्यूस बन जाएंगे। ये 20 से 29 वाला ये बन गया, ठीक है। अगला क्या था हमारा, 29 to 30, अपर लिमिट में 0.5 ऐड करना है, लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करना है। 29 में से यहाँ पे था 30 to 39, क्योंकि 29 वाला हम यहाँ ले चुके हैं। 30 में से 0.5 आप माइनस करोगे तो व्हाट यू विल गेट, 29.5, और 39 में 0.5 ऐड करोगे तो दैट विल बी 39.5। तो यू कैन सी कि ये डाटा आपका कॉन्टिन्यूस बन गया, 29.5 पे वो खत्म हो रहा था, ये 29.5 से शुरू हो रहा है। नेक्स्ट वाला हमारा जो डाटा है दैट इज फ्रॉम 40 to 49, इस वाले को भी हमें कॉन्टिन्यूस बनाना है। ईच एंड एवरी इंटरवल यू हैव टू चेंज 0.5, हर इंटरवल की लोअर लिमिट में से माइनस करोगे, अपर लिमिट में ऐड करोगे। 40 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आएगा, 39.5, 49 में ऐड करोगे तो दिस इज 39.5 सेम आ रहे हैं, क्लियर। ये यानी कि अब मेरे जो इंटरवल्स बन गए वो क्या बने, जो न्यू वाले कॉन्टिन्यूस जो आए मेरे पास, 19.5 29.5 29.5 39.5 39.5 49.5, नेक्स्ट विल बी 29.5 आपका यहाँ पे भी है, 29.5 आपका यहाँ पे भी है। तो अगर मैंने कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दी, मान लो आप अभी न्यू हो इसके इंटरवल्स के साथ डील कर रहे हो, मैंने आपको मार्क्स दे दिए सिंपली और कहा कि उनको ग्रुप्स में अरेंज करो, आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 29.5 को इस वाले ग्रुप में रखेंगे और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो यहाँ पे रखेंगे। अगेन जो मेरी इंफॉर्मेशन आई वो सेम डाटा के लिए डिफरेंट आई, तो अगेन उस चीज को ओवरकम करने के लिए क्या कहा गया कि जो अपर लिमिट है, मतलब ये स्टैंडर्ड बना दिया गया कि जब डाटा आपका कॉन्टिन्यूस है तो जो अपर लिमिट है वो इस इंटरवल में काउंट नहीं हो, यानी कि 29.5 आप इस इंटरवल में लेकर नहीं चले, ठीक है। 29.5 वाली जो वैल्यूज होंगी वो किस इंटरवल में काउंट होंगी, नेक्स्ट वाले। यहाँ पे जो वैल्यूज आपकी काउंट होंगी दैट विल बी 19.5
टू अ वैल्यू लेस देन 29.5. 29.5 अगर वैल्यू आ गई तो दैट विल बी काउंटेड इन द नेक्स्ट इंटरवल. सेम वे में 39.5 वैल्यू आ गई तो दैट विल बी काउंटेड इन द नेक्स्ट इंटरवल. 49.5 नेक्स्ट इंटरवल. 59.5 नेक्स्ट इंटरवल. यानी कि जब आपका डाटा कॉन्टिन्यूस गिवन है तो आपकी जो अपर लिमिट है दैट वन इज द एक्सक्लूडेड. इसको आपने इंक्लूड नहीं करना है इस वैल्यू को उस वाले इंटरवल में. जब आपको डाटा रॉक फॉर्म में गिवन है, आप उसको ग्रुप्ड फॉर्म में लेकर आ रहे हो, तो डाटा आपने इंटरवल्स कॉन्टिन्यूस लिखने हैं. इंटरवल्स जब आपने कॉन्टिन्यूस लिख लिए तो अपर लिमिट को आपने उस स्पेसिफिक इंटरवल में नहीं लेना है. दैट विल बी काउंटेड इन द नेक्स्ट इंटरवल. गॉट दिस पॉइंट. उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं. अब ये कॉन्टिन्यूस डाटा क्लियर है, कैसे बनाना है वो भी क्लियर है. क्लास मार्क सुना हुआ है क्या होते हैं? क्लास मार्क. लोअर लिमिट और अपर लिमिट का सम डिवाइडेड बाय टू. जब भी आपको क्लास मार्क निकालना है मींस यू आर टू फाइंड द मिड वैल्यू ऑफ दैट इंटरवल. सो दैट इज गिवन बाय लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय टू. मान लो मुझे 10 टू 20 गिवन है इंटरवल, मुझे इसका क्लास मार्क यानी कि मिड वैल्यू निकालनी है. सो दैट विल बी गिवन बाय 10 प्लस 20 बाय 2 दैट इज 15. ठीक है. उसके बाद क्लास विड्थ पता होगी क्या होती है, किस किस का डिफरेंस. अपर लिमिट माइनस लोअर दैट इज द क्लास विड्थ. सो ये कुछ जो बेसिक कंसेप्ट्स थे आपके जो आपको पता होने चाहिए थे. क्लास विड्थ को हम क्लास साइज भी कहते हैं. क्लास साइज और क्लास विड्थ दैट इज वन एंड द सेम थिंग. क्लास इंटरवल क्लियर है. लोअर लिमिट क्या होती है, जो भी आपका इंटरवल का लीस्ट वैल्यू होती है दैट इज द लोअर लिमिट, और जो मैक्सिमम वैल्यू होती है दैट इज द अपर लिमिट. ग्रेटेस्ट नंबर जो होता है आपका दैट इज द अपर लिमिट. चलिए अब एक्सरसाइज पे आ जाइए. एक्सरसाइज 14.2 दिस यू हैव टू डू इन योर नोटबुक. इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो रिटन में है दैट आई विल सेंड. आई होप कि वैसे आपको समझ आ गए होंगे. If any doubt is there in any of the important concepts, you can ask. So, exercise 14.2, question number 1. First question. The blood group of 30 students of class 8 are recorded as follows. नीचे आपको different students के blood groups given हैं. 30 students का data ये collect किया गया है. रिप्रेजेंट दिस डाटा इन द फॉर्म ऑफ. अब ये कौन सी फॉर्म डाटा की गिवन है, रॉ डाटा गिवन है. यू आर टू रिप्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की फॉर्म में आपने इसको रिप्रेजेंट करना है. विच इज द मोस्ट कॉमन एंड विच इज द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप अमंग दीज स्टूडेंट्स. आर एच फैक्टर नहीं गिवन, पॉजिटिव है नेगेटिव है, वी हैव नथिंग टू डू विद दैट. जस्ट हम ब्लड ग्रुप देख रहे हैं यहाँ पे ए बी ओ ओ ए बी. डिफरेंट पर्सन के डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स आपको गिवन है तो अरेंज करना है इसको हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. कितने ब्लड ग्रुप्स हैं, कौन कौन से, टैली मार्क्स लगा लें यहाँ पे एंड देन फ्रीक्वेंसी. टैली मार्क्स ऑप्शनल है, उससे गलती के चांसेस कम हो जाए. चलिए आप A, B, एक सेकेंड ओ के बाद बोलो ए बी. चलिए टू है ए बी, दो इकट्ठे ए दो. चलिए आगे टू ओज
ए बी डन विद। अब चलिए ए वाले कितने बने, बी वाले अब ये जरा टोटल करना, टोटल देखो कितना आ रहा है, 31। स्टूडेंट्स कितने थे, 31, एक फालतू हो गया। देखो ए बी 3 है, ओके। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जितने गिवन हैं, आपका जो टोटल है दैट शुड बी सेम, तो ये चीज का आपने ध्यान रखना, ठीक है। अब ये हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन गया। नाउ व्हाट वी आर टू चेक, विच इज द मोस्ट कॉमन, तो जिसकी जिसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी दैट इज द मोस्ट कॉमन। मैक्सिमम वैल्यू किसकी आ रही है, ओ की। एंड विच इज द मोस्ट रेयरेस्ट, ए बी। जिसकी वैल्यू सबसे कम है दैट इज द रेयरेस्ट, जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है दैट इज द मोस्ट कॉमन। क्लियर। व्हाट्स योर नेम, हरगुन, हरगुन है आपका नेम, सम हो गया, ये नोट डाउन हो गया। देख उधर रहे, तभी तो मैंने पॉइंट आउट किया है। हां जी डन। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे, द डिस्टेंस ऑफ 40 इंजीनियर्स फ्रॉम देयर रेजिडेंस टू देयर प्लेस ऑफ वर्क वर फाउंड एज फॉलोज। 40 इंजीनियर्स हैं, उनका उनके घर से जो उनका वर्क प्लेस है उसका डिस्टेंस हमें गिवन है। एंड कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद क्लास साइज 5। अब यहाँ पे क्लास साइज 5 अगर हमें गिवन है तो हम 5 ही ले सकते हैं, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। टेकिंग द फर्स्ट इंटरवल एज 0 to 5, 5 नॉट इंक्लूडेड। 5 नॉट इंक्लूडेड का मतलब क्या है, कि नेक्स्ट इंटरवल 5 to 10 लेके चलोगे, कॉन्टिन्यूस है, 5 नॉट इंक्लूडेड है। व्हाट मेन फीचर्स डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम दिस टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। तो टेबल आपने बनाना है, क्या हेडिंग्स देंगे, डिस्टेंस और चलो डिस्टेंस हो गया, आगे सेकंड टैली मार्क्स ऑप्शनल है, नंबर ऑफ इंजीनियर्स। चलिए क्या आएगा, पहले इंटरवल्स बताइए क्या क्या आएगा, 0 to 5, 5 to 10, मैक्सिमम वैल्यू देख लो कितनी है अकॉर्डिंगली। आप मैक्सिमम कितनी है, 32 है ना, 32 मैक्सिमम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 15 to 20, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 32 है तो 35 के बाद हम आगे इंटरवल नहीं बनाएंगे। चलिए अब 0 to 5 में कितने हैं, 0 to 5 में 5 इज नॉट इंक्लूडेड, हाँ 3 है, 3 के बाद 2 है, ठीक है, देन 3 अगेन, देन 3 अगेन, देन 2, कितने बने टोटल, कितने बने ये, 4 और 5। चलिए अब 5 to 10 काउंट करो, 5 इंक्लूडेड है इसमें, सो 5, 7, 10 इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, उसके बाद अगेन 7, फिर 7, देन 5, 9, 6, 7 and 6, 8 कहाँ है, ओके, टोटल 10 बने,
काउंट करो दोबारा से, इलेवन, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट काउंटिंग आ गई है तो टैली मार्क्स लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इंटरवल इज 10 to 15, 10 इज इंक्लूडेड। ये भी 11 है, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट 20 to 25, 1 25 to 30, 30 to 35, काउंट कर लो एक बार टोटल कितने हैं ये इंजीनियर्स, 40 40। अब क्या पूछा है उन्होंने, व्हाट मेन फीचर्स डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम दिस टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, क्या पता लग रहा है आपको। इससे क्या पता लग रहा है, हाँ जी, आप इसको किस वे में एक्सप्लेन करोगे, यू हैव टू टेल दैट। टेन टू फिफ्टीन मैक्सिमम नंबर ऑफ इंजीनियर्स जो है दे रिसाइड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 to 15 फ्रॉम देयर वर्क प्लेस, और यू कैन राइट डाउन देर आर ओनली 5 इंजीनियर्स विच लिव वेरी क्लोज टू द वर्क प्लेस, या फिर अगेन देर इज अ लेस नंबर ऑफ इंजीनियर्स हु लिव एट अ फार डिस्टेंस फ्रॉम देयर वर्क प्लेस। तो किसी भी वे में आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। Now moving on to question number 3, relative humidity of a certain city for a month of 30 days. अब 30 days का ये data आपको given है, humidity given है ये। Construct the grouped frequency distribution table with classes 84 to 86, 86 to 88, etc. Which month or season do you think this data is about? What is the range of this data? सबसे पहले minimum और maximum values check करो, minimum क्या है और maximum क्या है। मैक्सिमम 99.2 और मिनिमम 84.9, यानी कि 84 टू 86 ही हमारा पहला इंटरवल बनेगा, ठीक है। और 2 to 2 के गैप पे आपने इंटरवल्स बनाने हैं, कॉन्टिन्यूस इंटरवल्स बनेंगे। सो दिस इज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी, अब टैली मार्क्स नहीं ले रही हूं मैं, फ्रीक्वेंसी लिखेंगे सीधी। सो फर्स्ट इंटरवल 84 to 86, नेक्स्ट 86 to 88, 88 to 90, इससे आगे वाला हमने नहीं लेना है। सो एज द बेल हैज गॉन, तो दिस क्वेश्चन वी विल कंप्लीट टुमारो। इन योर होमवर्क पार्ट यू आर टू डू क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। क्लियर? यस, जस्ट अ मोमेंट अश्मिता।